हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी अनटोल्ड स्टोरी में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ठाकुर कुलवीर सिंह के बारे में कि किस प्रकार चंडी माँ उन पे प्रसन्न हुई, उन्हें दर्शन दिए और फिर किस प्रकार माता ने उन्हें अपनी शरण में लिया। आज हम आपको चंडी माँ और उनके भक्त ठाकुर कुलवीर सिंह की पूरी कहानी बताएंगे। ठाकुर कुलवीर सिंह जमुवाल उर्फ ठाकुर साहब को माता का भक्त माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें अपनी शरण में लिया था। यात्रा शुरू करने का श्रेय भी ठाकुर साहब को ही जाता है। ठाकुर कुलवीर सिंह जमुवाल पुलिस में सरकारी नौकरी करते थे। सन 1976 की बात है जब उनकी पोस्टिंग मचेल में हुई। जैसे ही वो मचेल पहुंचे, उन्होंने देखा कि चंडी माता का मंदिर पुलिस पोस्ट के साथ ही था। जैसे ही वो हाजिरी भरने पुलिस थाने में पहुंचे, मानो माता रानी ने उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए, जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया और फिर वो माता की सेवा में वो लीन रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद रात को स्वप्न में उनको माता रानी ने दर्शन दिए। माता ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई, मैं तुम्हारे साथ भद्रवाह जाना चाहती हूँ, तुम्हारे घर। उन्होंने माता से पूछा, आप मेरे साथ कैसे चलोगी? और माता ने कहा, तुम चांदी का त्रिशूल बनवा कर ले आओ, फिर त्रिशूल यहाँ मंदिर में रखो और फिर उठाकर उसको ले जाना। और उन्होंने वैसा ही किया जैसे माता रानी ने स्वप्न में आकर उनसे कहा था। चांदी का त्रिशूल बनवा कर लाया, वहाँ रखा। उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग हुई, त्रिशूल भद्रवाह ले आए। बाद में इस त्रिशूल के आने से भद्रवाह में काफी महिमा बढ़ गई। दूर दूर से लोग इकट्ठा होने लगे, दर्शन के लिए आने लगे और लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिलने लगे। माता का प्रसाद बांटा गया और शायद माता ने ये खेल इसीलिए रचाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।